हाँ जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप माइंड में कर सकते हो और एक है सीबीएसई वाला मेथड। तो माइंड में करना सिखा देता हूँ, फिर सीबीएसई वाला मेथड डिटेल मेथड भी बता देता हूँ। जो सरफेस एरिया होता है ना, वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये सोचो माइंड में, ये रेडियस का स्क्वायर है दोनों के। तो अगर रेडियस के स्क्वायर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो रेडियस का रेशियो क्या हुआ, 1:2। और वॉल्यूम हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के क्यूब पे। तो 1 का क्यूब करने पे 1 मिला और 2 का क्यूब करने पे क्या मिला बेटा, 8 मिला। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप माइंड में कर सकते हो एमसीक्यू टाइप में। लेकिन मैं आपको एक बार सीबीएसई वाला लॉन्ग मेथड करके दिखा रहा हूं, वो आप कैसे सोचोगे। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए वो दो स्फीयर है, एक स्फीयर है ये और एक थोड़ा बड़ा स्फीयर है, ठीक है। एक का रेडियस स्मॉल आर ले लो, एक का रेडियस कैपिटल आर ले लो। ले लिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन बड़ा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये रेशियो किसके इक्वल है बताइए, 1:4 के। तो 4 पाई से 4 पाई कट हो गया, तो r² अपॉन कैपिटल r² इज 1:4। बताओ r अपॉन कैपिटल r क्या होगा बताइए। तो 1:2। ये बात सबको आ गई समझ, 1/2। पहले तो इनके रेडियस का रेशियो आ गया, क्या आ गया बेटा, r बाय कैपिटल r 1:2 आ गया। यहां तक क्लियर है बेटा। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, इनके वॉल्यूम्स का रेशियो। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 4/3 पाई। छोटे का वॉल्यूम क्या होगा, r³, और बड़े का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल r³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट। अब r³, ये इसको आप स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इकट्ठे का क्यूब लिख लो। और अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की क्या निकाली है, 1/2। तो यहाँ पे क्या पुट कर दो बेटा, 1/2, और उस पूरे का क्यूब भी है। तो वॉल्यूम्स का रेशियो क्या आया बेटा, 1:8। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का रेशियो लिया और उस वॉल्यूम के रेशियो को सॉल्व करके काटा पिटी करके 1/8 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा बताइए, 1:8। कितने बच्चों को समझ आ गया, हाँ जी कितने बच्चों को समझ आ गया बताओ यार, सर आ गया समझ। सभी को आ गया। चलो एक क्वेश्चन चेंज कर देते हो, माइंड में आंसर बताओगे एमसीक्यू। और फिर लॉन्ग मेथड तो मैंने आपको समझा दिया सीबीएसई बोर्ड वाला, एक मैं थोड़ा डेटा चेंज कर रहा हूं और आपको आंसर माइंड में ही बता देना। बताओ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 9:16, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। सर 27:64। ग्रेट 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 ग्रेट। देखो ना, अभी मैंने ट्रिक बताई आपको, लंबा मेथड तो बता दिया, वो आप कर लेंगे। आपको पता है ये रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो एकदम से माइंड में आपको आएगा कि 9 किसका स्क्वायर होता है और 16 किसका स्क्वायर होता है, यस और नो। तो माइंड में रेडियस का रेशियो क्लियर हो गया, क्या हुआ माइंड में रेशियो का, 3:4। और अभी अभी आपके सामने प्रूव हुआ कि वॉल्यूम इसके क्यूब पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हुआ दोनों के, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। यही बोला ना आपने आंसर अभी, 27:64, यही बोला सबने, या कुछ और बोला है, 1:64 बोला है, 27:64 बोला है। ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन सिक्सटी फोर। ओके।